हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे और परमाणु के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था। तो हम जानते हैं कि इसके बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जो अविभाज्य होता है, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे परम अणु या परमाणु कहते हैं। लेकिन इसको एक मॉडल के रूप में कि मतलब परमाणु होता कैसे है, अगर हम उसको जानना चाहें तो इसके बारे में सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो जे जे थॉम्सन ने किया था। इन्होंने 1898 में एक मॉडल दिया था जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल, 1898 में एक मॉडल दिया था जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं या तरबूज मॉडल कहते थे। इसके अंदर परमाणु को इस प्रकार से माना गया था कि वह एक किसी धनावेशित गोले के अंदर केंद्रित माना गया था और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जहाँ तहाँ इस प्रकार से फैले होते हैं कि जो परमाणु का कुल आवेश होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन यह जो मॉडल था यह बहुत सारी जो परमाणु की व्याख्या होती थी उनको समझा नहीं पाया था, ये ऐसी परमाणु की उदासीनता को समझा पाया था उसके अंदर जो परमाणु उदासीन कैसे हो जाते हैं वो बता पाया था। इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं या इसे परमाणु का तरबूज मॉडल कहते हैं, थॉम्सन मॉडल भी इसे कहते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि प्लम पुडिंग मॉडल क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल। तो यह जो तरबूज मॉडल था इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो 1898 में जे जे थॉम्सन ने इसके बारे में बताया था 1898 के आसपास। लेकिन वास्तव में जो परमाणु का अध्ययन है उसे कुछ समय पश्चात 1911 में एक एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो रदरफोर्ड थे वो जे जे थॉम्सन के अंडर में रिसर्च करते थे और जिस समय इन्होंने थॉम्सन ने इस मॉडल को प्रस्तावित किया जिसको हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा स्कैटरिंग, रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रयोग हम जानते हैं, उस प्रयोग को भी उन्होंने अपने अंडर में करवाया था किसी से, मतलब गेंगहाइसर और अर्नेस्ट मार्डसन जो थे उनके अंडर में कार्य करने वाले एक छात्र थे। अर्नेस्ट मार्डसन उस समय 20 साल के थे जिनका नाम हम जानते हैं। तो रदरफोर्ड ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वह अल्फा कणों के प्रकीर्णन का उपयोग किया था, स्वर्ण पन्नी को लेकर किया था और इसके बाद ही वास्तव में आज हम जो जानते हैं परमाणु का एक मॉडल जो जानते हैं उससे काफ़ी करीब ये मॉडल था। और लेकिन इसके भी कुछ दोष थे, लेकिन यह वास्तव में परमाणु के स्थायित्व को समझा पाया और उसके अंदर नाभिक की खोज भी हो सकी। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या किया था। रदरफोर्ड ने अपने दो जो स्टूडेंट्स थे हैंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्टसन मात्र 20 साल के थे उस समय जो एक्सपेरिमेंट ये किया गया था, तो उन्होंने अंडर में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उन्होंने देखा था कि एक बिस्मथ 86-204 का एक अल्फा कणों का स्रोत के रूप में प्रयोग किया था उन्होंने, और यहाँ पे एक लेड ईंट लगा दी गई थी ताकि अधिकतम जो अल्फा कण है अवशोषित हो जाए, सिर्फ एक बीम ही यहाँ पर किसी स्वर्ण पन्नी से टकरा सके। इसके लिए उन्होंने स्वर्ण पन्नी जो थी उसका प्रयोग किया था। स्वर्ण पन्नी एक बहुत ही पतली स्वर्ण पन्नी ली गई थी और इसके बाद यहाँ पर इस स्वर्ण पन्नी के इस तरफ स्केटरिंग के बाद जब वो कण बिखरते हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए जिंक सल्फाइड का स्क्रीन या पर्दा लगाया गया था, जिससे ये पता चल सके कि जो अल्फा कण हैं वो टकराने के पश्चात कितने कितने कोण पर प्रकीर्णित हो रहे हैं। तो यह स्वर्ण पन्नी थी और ये जेड जिंक सल्फाइड का पर्दा था। यहाँ पे एक संसूचक लगाया गया था तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्केटरिंग हो रही है ये पकड़ने के लिए। अल्फा कण जो होते हैं वो हम जानते हैं धनावेशित कण होते हैं, इन पर जो आवेश होता है +2HE होता है, मतलब यहाँ पे हीलियम कणों का दो गुना जो होता है, मतलब एक तरह से हीलियम कण मान सकते हैं, इनका दो गुना नहीं हीलियम कण मान सकते हैं क्योंकि हीलियम के अंदर ऑलरेडी दो प्रोटॉन्स होते हैं। तो अल्फा कणों का जो आवेश होता है वह दो प्रोटॉन्स के आवेश के बराबर होता है, मतलब इन पर पर्याप्त धनात्मक आवेश होता है, मतलब इनको अगर प्रतिकर्षित करना है तो एक उच्च धनात्मक वस्तु या जो केंद्र जो आवेश होगा वही इनको प्रतिकर्षित कर सकता है। तो ये जो सेटअप था ये 1911 में किया गया
और उन्होंने बताया एक बिस्मथ लिया और यहाँ पे पीवी लेड, ये बिस्मथ जो था ये अल्फा कणों का स्रोत था और यहाँ से अल्फा कण जब निकलते हैं तो एक स्वर्ण पन्नी से टकराते हैं और इनकी स्केटरिंग अलग अलग कणों पर होती है। कुछ स्केटरिंग जितने कणों पर होती है उनको मेजर करने के यहाँ पे एंगल जो था वो यहाँ पे शो किया गया है, एंगल मेजर करने के लिए लगाया गया था संसूचक। अब होता क्या है इसके अंदर, होता है जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्चुअली ये था कि सबसे पहले इसका ऑब्जर्वेशन किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया, ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के आधार पर परमाणु का मॉडल कैसा होगा वो बताया गया। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन जो किया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने वो क्या किया, उन्होंने देखा कि जब अल्फा कण किसी स्वर्ण पन्नी से टकराते हैं तो इनके अंदर स्केटरिंग होती है लेकिन अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। अल्फा कण जब किसी स्वर्ण पन्नी से टकराते हैं तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, यह पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन यह था, जो प्रेक्षण यह था कि कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर और कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर क्या होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। मतलब अगर यहां पर देखा जाए तो लगभग 0.14 मतलब 1% जो अल्फा कण थे वो 1 डिग्री से अधिक कोण पर ही क्या हुए, प्रकीर्णित हुए। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर लगभग 8000 अल्फा कण किसी स्वर्ण पन्नी पर आपतित होते हैं तो उनमें से केवल एक 8000/1 केवल एक अल्फा कण ही क्या था वहां से परावर्तित हो रहा था। अब ये जो अल्फा कण था ये सिर्फ बहुत मतलब बहुत सूक्ष्म मात्रा में था, मतलब 8000 अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण प्रतिकर्षित हो रहा है। प्रतिकर्षित हो रहा है मतलब जरूर अल्फा कण जो होते हैं धनात्मक होते हैं, उच्च धनात्मक आवेश होते हैं, लेकिन यहां पर प्रतिकर्षित हो रहा है तो जरूर कोई एक ऐसी उच्च धनात्मक वस्तु वहां पर उपस्थित है जो उसको वापस प्रतिकर्षित कर रही है। और ये ऐसी जो धनात्मक वस्तु थी उसको उन्होंने नाभिक नाम दिया, मतलब वहां पे एक नाभिक होगा जो बहुत ही सूक्ष्म स्थान में या सूक्ष्म केंद्र में स्थित होगा, क्योंकि 8000 में से सिर्फ एक अल्फा कण अगर गुजर रहा है, गुजर के वापस परावर्तित होके आ रहा है, पलट के आ रहा है, तो मतलब उस बहुत बड़े मॉडल के अंदर जो भी परमाणु का जो मॉडल था उसके अंदर बहुत ही सूक्ष्म स्थान पर एक धनात्मक आवेश उपस्थित है जो अल्फा कणों को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो इनके आधार पर जो रदरफोर्ड थे उन्होंने जो मॉडल दिया वो क्या था, उन्होंने मॉडल दिया कि अधिकांश अल्फा कण जो थे वो मॉडल में से, मतलब जो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, अधिकांश अल्फा कण यहाँ से जब आते हैं तो सीधे निकल जाते हैं, मतलब यहाँ पर ये सीधे डिटेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये था कि अधिकांश अल्फा कण अगर सीधे निकलते हैं तो परमाणु का अधिकांश भाग खाली है क्योंकि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं मतलब उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अधिकांश अल्फा कण जो है 99% तक अल्फा कण जो थे वो वहां पर सीधे निकल जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। कुछ अल्फा कण 1% से भी अधिक, 1% से भी कम, लगभग 0.14% जितने अल्फा कण आपतित होते हैं उनमें से 0.14% अल्फा कण 1% से अधिक डिग्री पर, 1 डिग्री से अधिक कोण पर क्या होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। यहां पर प्रकीर्णन किस कोण पर हो रहा है इसको नापने के लिए यहां पर देखा गया था, प्रकीर्णित होते हैं और 8000 में से एक अल्फा कण ही वहां से वापस लौट के आ रहा है, मतलब केंद्र के अंदर एक बहुत ही उच्च धनात्मक केंद्र उपस्थित है नाभिक के, जिसको नाभिक नाम दिया गया। और यह नाभिक जो होता है इसकी जो त्रिज्या होती है 10^-15 से 10^-14 मीटर के आसपास होती है। इसके कंपैरिजन में अगर परमाणु जिसके अंदर से अधिकांश अल्फा कण निकल रहे थे उसकी साइज देखा जाए तो उनकी साइज 10^-10 मीटर थी, मतलब परमाणु जो था वो 10^-10 मीटर की त्रिज्या में
उपस्थित था और जो नाभिक था वो 10^-4 14 से 10^-15, मतलब इसका अंतर देखा जाए 10^-10 से 10^-14 या 15 का, तो 5 जीरो का अंतर आता है। 5 जीरो का मतलब 1,00,000 गुना, मतलब परमाणु से 1,00,000 गुना छोटा क्या होता है, हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो नाभिक होता है केंद्र में उपस्थित है, लेकिन इस परमाणु जो कि जिससे 1,00,000 गुना छोटा नाभिक है, उसका 99% जो द्रव्यमान है वो नाभिक के कारण ही होता है। इस परमाणु का जो अधिकतम जो द्रव्यमान था वह उसके साइज पर नहीं बल्कि उसके नाभिक के अंदर उपस्थित था, जो कि 99% होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके बाह्य कक्षक में उपस्थित होते हैं, इससे बाह्य ये जो परमाणु है इसके बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनके बीच की दूरी जो मैंने आपको बताया लगभग इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की जो दूरी थी 1,00,000 गुना दूर होती है। इसको अगर हम सामान्य शब्दों में समझें तो हम कहें कि अगर एक फुटबॉल का मैदान ले लिया जाए और फुटबॉल के मैदान में अगर एक मटर का दाना रख दिया जाए, तो फुटबॉल का मैदान अगर एक मॉडल के रूप में देखा जाए, अगर वो परमाणु है, तो उस परमाणु के अंदर जो उस मटर के दाने को जो हमने रख रहा है वो मटर का दाना ही क्या होगा, उस परमाणु का नाभिक होगा। लेकिन उस मटर के दाने में जो अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो उस मटर के दाने जो है उस पूरे स्टेडियम का द्रव्यमान लेके बैठा हुआ, उसके अंदर पूरे स्टेडियम का जो द्रव्यमान नहीं है उससे ज़्यादा द्रव्यमान उस मटर के दाने में, मतलब परमाणु का जो कुल द्रव्यमान होता है वह परमाणु के द्रव्यमान का 99% जो होता है नाभिक के अंदर होता है, ये कहा गया। अब इसके अंदर एक और चीज बताई गई, ये अध्ययन किया गया, तो मॉडल जो दिया गया वो मैंने आपको बताया कि परमाणु अधिकतम खाली होता है और इसके अंदर 10^-15 से 10^-14 मीटर त्रिज्या पर एक नाभिक होता है जो कि उच्चतम क्या होता है, धनात्मक होता है और रफा कणों को भी परावर्तित कर देता है। और तीसरा ये कि इसके अंदर जो परमाणु होता है उसकी जो त्रिज्या होती है 10^-10 मीटर होती है। अब इसके बाद जो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये है कि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो रदरफोर्ड का प्रयोग था उसके अंदर किन कणों का प्रयोग किया गया था, किस सब्सटेंस का प्रयोग किया गया था अल्फा कणों के स्रोत के लिए, उनकी ऊर्जा क्या थी। यहाँ पे अल्फा कणों की जो ऊर्जा थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास थी, काफी तीव्र ऊर्जा थी। और इसके अंदर जो संसूचक मतलब जो पर्दा होता है वो पर्दा किस से लेपित बना हुआ होता है, तो जिंक सल्फाइड से लेपित बना हुआ होता है। इसके अंदर जो नाभिक की साइज बताई गई थी वो कितनी थी, परमाणु की जो साइज बताई गई थी वो कितनी थी, और कितने अल्फा कणों में से कितने अल्फा कण उस नाभिक से परावर्तित होकर वापस आते हैं। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा साथ में ही कि जो अल्फा कण होते हैं जब किसी नाभिक के पास से गुजरते हैं तो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कण जब नाभिक के पास जाते हैं तो यहां तक पहुंचते हैं, वापस लौट जाते हैं। तो ये हो गया आपका नाभिक और ये हो गया आपका अल्फा कण जो अधिकतम यहां तक पहुंच पाया और वापस लौट आया। तो ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे जो आपको डिस्टेंस दिख रही है इसको बोलते हैं निकटतम पहुंच की दूरी, निकटतम पहुंच की दूरी। निकटतम पहुंच की दूरी, तीव्र अल्फा कण जब किसी नाभिक के पास जाते हैं तो वहां से कितनी दूरी तक वो पहुंच पाए नाभिक से, द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ डिस्टेंस। क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस जो होती है यहाँ पर वो क्या होती है, तो ये जो डिस्टेंस होती है जहां तक वो अधिकतम पहुंच पाते हैं अल्फा कण किसी नाभिक के और उनके बीच में एक गैप रह जाती है, ये जो गैप होती है इसको बोलते हैं निकटतम पहुंच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये जो चीज पूछी जाती है ये आपको याद रखना चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि अल्फा कण अगर नाभिक के पास पहुंचता है तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है, कितना बल होता है कि वो वापस लौट के वापस आ जाता है। तो हम जानते हैं कि इन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो कूलाम बल से दिया जाता है। कूलाम बल होता है 1/4π ε0। तो यहाँ पर
जो लगने वाला बल था अल्फा कर्ण और नाभिकों के बीच लगने वाला जो कर्ण नाभिक के बीच लगने वाला जो बल था वो था 1/4πε0। अल्फा कणों के लिए हमने 2E का प्रयोग किया है और नाभिक के लिए हमने ZE का प्रयोग किया है। और ये R मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस थी, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, वो चीज होती है। तो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वह इस फॉर्मूले से दिया जाता है, जिसको 1/4πε0 2Z e square भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2Z और EE का e square हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला था ये यहाँ पे दिया गया है कि भी अल्फा कर्ण और नाभिक के बीच लगने वाला जो बल होता है। तो अल्फा कर्ण स्केटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट है आपकी 10th क्लास और 12th क्लास दोनों में ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में दिया था। मैंने यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको बताई शुरू शुरू में, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आपको समझ में आएगा कि काफी हम जिन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन रहा और किस टाइप से वो करते थे। जैसे मैंने आपको बताया जो रदरफोर्ड थे, जिन्होंने 1911 में एक्सपेरिमेंट किया था, वो जे थॉमसन जिन्होंने सबसे पहले परमाणु का मॉडल दिया था, उसके क्या थे, एक भूतपूर्व शोधी छात्र थे। मतलब उनके अंडर में, जे थॉमसन के अंडर में अर्नेस्ट रदरफोर्ड कोई रिसर्च कर चुके थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया 1911 में उसके अंडर में दो साइंटिस्ट और थे जो उनके स्टूडेंट थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। एक तो थे हेंस गाइगर, गाइगर जो गाइगर मूलक गणित जिनको बात हम करते हैं, तो ये हेंस गाइगर थे। और दूसरा जो थे अर्नेस्ट मार्डसन, उस समय ये मात्र 20 साल के थे, स्टूडेंट्स थे, लेकिन अंडर जो रदरफोर्ड थे उनके अंडर में ये वर्क करते थे। और यही बाद में जाके गाइगर मूलर गणित अर्नेस्ट मार्डसन गाइगर मार्डसन एक्सपेरिमेंट जो था बाद में इन्होंने किया। तो एक मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलता है तो आपसे जो स्टूडेंट्स निकलते हैं वो भी काफ़ी अच्छा अपना कार्य करते हैं, वो भी अपनी ख्याति प्राप्त करते हैं अगर उनको एक अच्छा गाइडेंस मिलता है। तो जितने ही अच्छे यहाँ पे साइंटिस्टों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके जो स्टूडेंट्स रह चुके, उनके जो टीचर रह चुके, वो बहुत ही विख्यात लोग थे। तो आप भी अपने आसपास जो भी मिले उसे सीखते रहिए और आप भी निश्चित ही एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे जितना हो सके स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करती रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।